न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केजरीवाल की अर्जियों पर सुनवाई सुपो में पास तक टली। ग्रामीण भारत सरकार ने किया विश्वासघात कर ली। मनरेगा कमजोर कर रही केंद्र सरकार, राहुल गांधी। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। केजरीवाल की अर्जियों पर सुनवाई सुको में पांच तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। केजरीवाल कथित ने आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा खुद को गिरफ्तार किए जाने को भी चुनौती दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भैया की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात 8 बजे उन्हें दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्रामीण भारत से सरकार ने किया विश्वासघात खड़गे। नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर उदासी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि मनरेगा की वर्तमान स्थिति ग्रामीण भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासघात का जीता जागता स्मारक। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 7 करोड़ से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए हैं। 2005 में इसी दिन सपंग सरकार ने मनरेगा लागू किया था। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। मनरेगा को कमजोर कर रही केंद्र। राहुल गांधी नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस कार्यक्रम पर भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन इसे कमजोर भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने लाखों लोगों को सशक्त बनाया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।